कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने पथरिया विधायक रामबाई के भतीजे सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मंगलवार को विधायक के देवर सहित एक अन्य आरोपी ने अदालत में समर्पण किया था। वहीं विधायक रामबाई के पति सहित तीन आरोपी अभी भी फरार हैं। सागर आईजी सतीश सक्सेना ने बताया कि चौरसिया हत्याकांड मामले में रामबाई का भतीजा गोलू ठाकुर भी शामिल था। एसटीएफ की टीम ने उसे उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 5 मार्च को हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी, जबकि देवेंद्र का बेटा घायल हो गया था। जब अपन ने इस संबंध में अन्य विवेचनाएं शुरू करी तो 7 के अलावा कम से कम 19 लोग और नामजद हुए जो उनके साथी थे या किसी तरह सीसीटीवी फुटेज या किसी और तरीकों से अपने को ज्ञात हुए। शुरुआती दौर की तफ्तीश में इनके लिए पार्टियां बनाई, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में अपने जांच दल गठित किया और 20-25 पार्टियां जगह जगह पे लोगों को छापे डाल रही थी। शुरुआती दौर में अपने को 4 मुलजिम जो इसमें घटना में सहयोगी थे वो पकड़ाए भी, वो जेल गए। इसके बाद लगातार इसकी सर्चिंग सब तरफ से चल रही थी। पता ये चला कि कुछ एकाध आरोपी झांसी वासी पहुँचे हैं और झांसी में किसी ने उनकी मदद करी और भगाने में, सिम देने में एक झांसी निवासी विवेक सिंह को इसमें संरक्षण देने।